अज दे दिन ते मैं कुछ आर्थिकता नाल संबंधित दो तीन ऐलान ने, पर मैं ये कहना कि ये भी काफ़ी नहीं है। हुण तक असी बैटल कैजुअलिटी मान लेंदे सी, जिहड़े जंग च शहीद होए आ शहीद मान लेंदे, जिहड़े वैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बर्फ दे तोंदे गिर गए, कोई ट्रक पलट गया, उन्हां नूं नहीं उस कैटेगरी च मानते सी, क्योंकि उत्थे काम करना -40 डिग्री टैंपरेचर च किता कोई आम शरीर का काम तो है नहीं जी, उत्थे कोई ब्रेन हैमरेज हो गया जां कोई हो गया, असी उन्हूं भी जिहड़ा शहीदां दा दर्जा देवांगे। 25 लाख रुपया असी 30 केस जिहड़े लगभग 30 आउंदे ने साल दे जो कीता, 25 लाख रुपया उन्हां परिवारां नूं भी असी देवांगे। ते जिहड़े फौजी जवान जंग दे विच जख्मी हो जांदे आ उन्हां वास्ते जिहड़े 76% तों 100% जख्म नकारा हो गए सैन एक्सग्रेशिया उन्हां दा, पहला 20 लाख सीगा उन्हूं असी 40 लाख कर, 51 तों 75% जिहड़े सैनिक जख्मी ने नकारा उन्हां दे शरीर हो गए, पहला 10 लाख सीगा उन्हूं 20 लाख कर रहे हैं। पहले ते दूसरे विश्व युद्ध दे विच जिहड़े नॉन पेंशनर साबका सैनिक उन्हां दीआं विधवावां नूं जिहड़ी माली सहायता मिलती सी उह 6,000 रुपया महीना सी, उन्हूं असी 10,000 रुपया महीना कर रहे हैं। आ थोड़ा जिहा बदलन वालीआं चीज़ां ने, हौली हौली बदल देंगे, क्योंकि अफसर जिहड़े ने ना उन्होंने एक कटेरिया बनाया है लिखण दा, 9.25 करोड़ रुपये सालाना वित्ती बोझ पले आ, बोझ थोड़ी है, मतलब बोझ लफज नहीं वरतना चाहिए, 9.25 करोड़ सालाना शहीदां ते खर्च होऊगा, पैसा तो साडा ही है, वो शहीदां ते खर्च बोझ क्यों मनदे आ सी उहनू, इहदा मतलब शहीदां नूं पैसे देण नूं बोझ मनदे आ, मान सम्मान दिता जाऊगा, उन्होंने प्रणाम किया जाऊगा उन्होंने। अज कारगिल दिवस के मौके पर देश नूं माण महसूस कराने वाले साडे देश के दे अमर शहीद जिन्हें भी श्रद्धांजलि भेंट कर लिया, जब कट्ठे हुए हैं उन्होंने सारियां दे परिवार भारत की फौज के विच वख वख अहुदे ते सेवा निभा चुके जा निभा रहे फौज दे बहुत ही सीनियर ऑफिसर साहबान, मेरी कैबिनेट दे साथी मंत्रीगण, MLA साहबान, अमृतसर द पुलिस प्रशासन, अमृतसर द सिविल प्रशासन, वख-वख बटालियन दे जवान, NCC तो और दूजिया जिहड़ियां संस्थावां, मैं सारिआं दा धन्नवाद करदा। ये जिहड़ा अज दा समागम है ये बड़ा भावुक समागम है, इस मौके ते सानू माण भी महसूस हुंदा है जदों असी अपने बच्चियां नाल अपने घरां च अपने कमरियां च AC ला के सुते पए हुंने आ कि गर्मी ना लग जाए बच्चियां नूं, तां उस वेले साडे हज़ारां फौज दे योधे वो गंगानगर जैसलमेर दे टिब्बियां च तीह तों लै के 50 डिग्री तक दे सैलसीयस च साडे देश की राखी कर रहे हुंदे ने, जिस वेले असी हीटर ला लैंदे आ
सर्दियों च कि ठंड ना लग जाए तो उस वेले कारगिल दी पहाड़ियों ते साडे जवान -40 -50 तक टैंपरेचर दे विच साडा झंडा लैके ते साडे झंडे की रक्षा करन वास्ते अपना सीना ताणी खड़े होंदे आ। सो उन्हां नूं सलूट करन वास्ते अज इत्थे आए हैं। उन्होंने परिवारों से उन्होंने पिता जी होंगे, किसी का बड़ा भाई होगा, किसी का छोटा भाई होगा, किसी की पत्नी होगी, किसी की भाभी आई होगी, किसी की भैन आई होगी। दुनिया तो जाने का किसी का भी दिल नहीं करता, पर दुनिया तो जाने के तरीके वो बहुत मैटर करते हैं। जे देश लई जाने हो तो फिर शरीरक तौर पर तो चले जाओगे, पर मानसिक तौर पर साढ़े शहीदों हमेशा याद किया जाता है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। 90-90 साल के बुजुर्ग अज भी पिंडां च मंजे ते पए ने, मौत की उड़ीक करी जाते ने, मंग भी रहे ने कि मौत आ जाए, पर उस पिंड के बंदे भी नहीं जानते कि उन्हों का बुढ़ा मर गया जा जिंदा। तो दूजे पासे 23 साल की उम्र च शहीद आजम भगत सिंह होरां ने फांसी का रस्ता चुमिया तो अज भी जिंदे ने, 23 साल की उम्र, महज 23 साल की उम्र। सो कारगिल की जंग वेले मैं याद है, मैं बतौर कलाकार विचरदा सी, मैं पटियाले रहिंदा सी, तां क्योंकि पटियाले दे विच कैंट है, आर्मी का बेस है, तो अस हर एक बंदे ही हिस्सा पा रहा सी उस यग दे विच। असी भी कई कलाकारां नूं बुला के एक कारगिल दे शहीदां लई शो करके असी जिन्ने पैसे कलैक्ट होए वो आर्मी दे जिहड़े उत्थे सीओ सीगे कैंट दे उन्हां नूं असी दित्ते। साडा फर्ज बनता है, कोई आसान नहीं है। भगत सिंह जी अक्सर क्या करते सी के इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमीन को महबूब बना लिया जाए। वो लोग जिहड़े धरती मां नूं, देश की धरती नूं महबूब बना लैंदे ने बहुत घट हुंदे ने। इस बार मतलब इस जन्म च किड्डी वड्डी सोच होगी, सोच करो आजादी लैके जदों दित्ती उदों भी साडियां शहीदियां साड़िया कुर्बानिया 90% हूँ उस आजादी संभालने लिए भी असी खड़े हाँ बार्डर से। और मैनू एक बहुत वधिया गल लगती आर्मी की कि आर्मी कदे भी अपने जिहड़े चाहे वो रिटायर होए ने, चाहे वह शहीद होए ने, अपने उन्हां जवानां नूं ते उन्हां दे परिवारां नूं लावारिस नहीं छड़दी। आर्मी हमेशा उन्हां दे नाल खड़ती है। सैनिक भलाई बोर्ड बने हुए ने, साडे कोल भी बहुत सारे महकमे ने जिथों असी साडे देश दी रक्षा करने वाले फौजी जवानों लई फंड जारी कर सकते हैं, राशि जारी कर सकते हैं। अज के दिन सब तो उच्ची पहाड़ी ते तिरंगा झंडा झूल गया सी, ताइयों अज यह जिहड़ी अमर ज्योति जग रही है। ये ज्योति दे विच मैं खास तौर पर उन्हां परिवारां नूं कहना चाहुंदा, इस ज्योति दे विच तेल नहीं, इस ज्योति दे विच
तुहाडे प्यारियां दा, तुहाडे पुत्तां दा, तुहाडे भरावां दा खून है। ये बुझदी नहीं? तेल वाला दीवा कितने कितने तेल मुक जांदा, बुझ जांदा है। ये खून वाले दीवे ने, ये बलिदान वाला खून है। साडे गुरुआं ने लड़ाइयां लड़ियां, सानू जुल्मां दे खिलाफ लड़न लई प्रेरणा दित्ती। खंडे बाटे दा अमृत छकाया, फौज तैयार की खालसे दी, जदके बहुत ज़्यादा सीगे दुश्मन की गिनती बहुत ज़्यादा सी, पर फिर भी एक फौज तैयार की खालसे दी। और फौज जिस तरीके नाल लड़ी, उते फिल्मां बन रही ने अज, चाहे सारागढ़ी है, चाहे कितों दी भी तुसीं लड़ाई दी गल कर लो, अज फिल्मां बन रही उन्हां ते। गुंजन सक्सेना मैं वह देखी मूवी, उस कुड़ी ने कारगिल दे विच किस तरह पायलट बन के गई, तो किस तरह ले बचा के लेके आई अपने साथियों नूं। सो सानू अपने विरसे नूं ते सभ्याचार नूं जिथे याद रखना चाहिए, नाल नाल साडे शहीदां दीआं कुरबानियां नूं याद रखना चाहिए। आम तौर पर की हुंदा है, अंतम संस्कार ते बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जदों किसी जवान की लाश आउंदी है, सरकारी सन्मानां नाल तोपां की सलामी नाल संस्कार कर दिता जाता है। बाद दे विच परिवार नूं कोई नहीं पुछदा, वो परिवार उलदे देखिया सी। सो आ जिहड़ा असी हुण शुरू किया, चाहे वह दिल्ली च है, चाहे पंजाब च है, क्योंकि मिलटरी के मामले सानू पता है कि मिलटरी जिहड़ी है, मेरे पिंड दे भी तीन मुंडे मतलब कारगिल च नहीं सीगे, वैसे शहीद होए फौज। मैनू पता है कि मिलटरी ने उन्होंने उन्होंने परिवार को किवें संभालिया, उन्होंने परिवार को नौकरी भी दी, किया। देखो पैसे नाल तां कोई चीज़, जान वर्गी चीज़ खास तौर पर, तो उहदी जान की तो कोई कीमत नहीं, उन्हों किसी करंसी च कोई कीमत ही नहीं पाई जा सकती जान की। पर असी चाहते हाँ घट्टो घट्ट जिहड़ा देश लई तुर गया उस परिवार नूं घट्टो घट्ट बाद दे विच आर्थिक तंगियां जां धक्के ना खाने पैण, दफ्तरां सर्टिफिकेट लैण लई कदे कुछ लई। बहुत सारे मैं इस तरह के भी भावुक सीन देखे ने कि अंतम संस्कार ते बेटा भी कह रहा है कि मैं भी फौज जाऊँगा, हुण छोटा बेटा 8-9 साल का। सो ये जज्बा ताइयों कायम रहेगा जे असी उन्होंने परिवारों को संभालेंगे, नहीं तो फिर पिंड चो जे कोई फौज जाने की कोशिश करेगा तो वो घर दे कह देंगे देख लो उन्होंने मुंडे का की हाल होया, उन्होंने परिवार का की हाल होया, ना पुत कोई होर काम कर लो। जे उस परिवार को असी संभालिया, उस परिवार को यह एहसास ही ना होने दिता कि तुहाडे परिवार चो कोई जी चला गया, असी नाल खड़े हाँ, सारा देश नाल खड़ा है, तो फिर उस पिंड चो जिहड़ी भर्ती है वह बधूगी कि कोई गल नहीं नाल साढ़े नाल खड़े है। पंजाब भी तो खास तौर पर आप मन्ने गए हैं इस काम लई, पंजाब जम्मिया नूं नित मुहिमा आही रूट हुंदा सी, जो दिल्ली लुट्टन जांदे सी लुटेरे, साढ़े बजुर्गों नूं एक बारी जांदे हुए लड़ना पैंदा सी उन्हां नाल, एक बारी जदों लुट के वापस आउंदे सी उदों लड़ना पैंदा सी। साढ़े तां ब्लड दे विच बगावत है, ब्लड दे विच जुल्म नूं रोकण दी ताकत है, नाल ही अटारी है शाम सिंह अटारी, किड़े किड़े जरनैल होए ने साढ़े। सो इस करके अज दे दिन ते
मैं कुछ आर्थिकता नाल संबंधित दो तीन ऐलान ने, पर मैं कहना कि ये भी काफ़ी नहीं है। कीमत ही कोई नहीं शहीद दी, पर फिर भी असी परिवारों नूं संभालण दा जिम्मा साडा फर्ज बनता। हुण तक असी बैटल कैजुअलिटी मान लेंदे सी, जिहड़े जंग च शहीद होए आ शहीद मान लेंदे, जिहड़े वैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बर्फ दे तोंदे गिर गए, कोई ट्रक पलट गया, उन्हां नूं नहीं उस कैटेगरी च मानदे सी। पर मेरे पिंड दे दो मुंडे बर्फ दे थल्ले आ गए, तां असी ये फैसला उस वेले भी कर लिया सी, ते गल मैं सरकार तक भी पहुँचाई सी उस वेले कि वह बर्फ ते करन की गए सी। फिर बर्फ ते भी तां उह देश की राखी हुई करते फिरदे सी। जरूरी थोड़ी है कि जे सामने दुश्मन की गोली नाल ही प्राण त्यागने ने उसे नूं शहीद कहांगे। जिहड़ी टीम हुंदी है, चाहे वह क्रिकेट की चाहे हाकी की फुटबॉल की, चुनी जाती है 15 मैंबर की, खेडते 11 ने। कई बार जिहड़े बाकी 4 ने ना एक्सट्रा प्लेयर, वह सारा टूरनामेंट खेडते ही नहीं, सारा वर्ल्ड कप लंघ जाता, उन्हां दी वारी नहीं आउंदी खेडण दी। पर जदों टीम जित जांदी है मैडल 15 ने 15 नूं मिलदे, फिर क्योंकि वह भी पार्ट हुंदे ने टीम दे। मैं तां कहना जिहड़े मोर्चियां च ने उह तां है ही बहादुर लोग जिन्हां नूं मोर्चे मिल गए, पर जिहड़े उन्हां लई असला लिआउंदे ने, जिहड़े उन्हां लई लंगर लांगरी उन्हां दे, जिहड़े जरनैल उन्हां दे दूरबीना ला के टारगेट सैट करते ने, सारा टीम वर्क है। और फौज तो डिसिपलिन का नाम ही फौज है, तो टीम जिहड़ी है डिसिपलिन च रहनी चाहिए। और मैनू इस गल ते फख्र है कि मेरे देश की जिहड़ी फौज की टीम है वो डिसिपलिन है। मैं फिरोजपुर गया हड़ां वाले प्रभावित एरिए, वो कहिंदे जी किश्ती दे विच कुछ लोगों को जाके आना है, वो आना बाबा घर नहीं छड़ना चाहते, उत्थी रहना चाहते ने। मैं चलो मिले आने, तो फौज दे जवान सीगे 5, मैं उन्होंने पूछा कितों, एक तमिलनाडु तो, 2 आंध्रा तो, 1 तेलंगाना तो, पूरा इंडिया बैठा सी फौज। सो साड़ी फौज जिहड़ी है असी उत्ते माण महसूस करते हैं। पहला कुछ भी नहीं दिता जाता सी राशि दे विच, हुण असी अनाउंस करन लगे हाँ कि तकरीबन 30 केस आउंदे आ साल च कि एक्सीडेंट, जवान ड्यूटी ते सी एक्सीडेंट च मर गया, जां किते कोई होर कारण हो गया, हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उत्थे कम करना -40 डिग्री टैंपरेचर च किता कोई आम शरीर का कम तो है नहीं जी, उत्थे कोई ब्रेन हैमरेज हो गया जां कोई हो गया, असी उहनूं वी जिहड़ा है शहीदां दा दर्जा देवांगे। 25 लाख रुपया असी 30 केस जिहड़े लगभग 30 आउंदे ने साल दे जो कीता, 25 लाख रुपया उहनां परिवारां नूं भी असी देवांगे कि ताकि थोड़ा बहुत आर्थिकता नूं हुलारा मिल जाए। ते जिहड़े फौजी जवान जंग दे विच जख्मी हो जांदे आ उहनां वास्ते जिहड़े 76% तों 100% जख्म नकारा हो गए एक्सग्रेशिया उन्हों का, पहला 20 लाख सीगा, उन्हों असी 40 लाख कर रहे हैं। 20 लाख नूं वधा के 76 तों 100 तक जिहड़ा वो फौज तय करती है कि किन्ने परसेंट है, फौज के अपने हॉस्पिटल ने, फौज के अपने डॉक्टर ने। 51 तों 75% जिहड़े सैनिक जख्मी ने नकारा उन्हों के शरीर हो गए, पहला 10 लाख सीगा उन्हों 20 लाख कर रहे हैं। तो 25 तों 50 वास्ते 5 लाख सीगा उन्हों 10 कर रहे हैं। तो पहले तो दूसरे विश्व युद्ध के जिहड़े नॉन पेंशनर साबका सैनिक उन्हां दी विधवावां नूं जिहड़ी माली सहायता मिलती सी वो 6000 रुपया महीना सी, उन्हों असी 10000 रुपया महीना कर रहे हैं। हुण जिहड़ियां फिजिकल कैजुअलिटीज़ ने इहनूं 25 लाख कर रहे हैं, तो 9.5 करोड़ आ थोड़ा जिहा बदलने वाली चीज़ा ने, हौली हौली बदल देंगे, क्योंकि अफसर जिहड़े ने उन्होंने
एक कटेरिया बनाया है लिखण दा। पौने 9 करोड़ रुपये सालाना वित्ती बोझ पवेगा। बोझ थोड़ी है, मतलब बोझ लफज नहीं वरतना चाहिए। 9.25 करोड़ सालाना शहीदां ते खर्च होगा। पैसा तो साडा ही है, वो शहीदां ते खर्च बोझ क्यों मनदे सी उहनू? इहदा मतलब शहीदां नू पैसे देण नू बोझ मनदे सी? 9.25 करोड़ दे के सर शहीदां नू प्रणाम मान सम्मान दिता जाऊगा, उहनां नू प्रणाम किया जाऊगा उहनां दी कुरबानी नू। नकारा सैनिकां वाली जिहड़ी है उह च 1 करोड़ रुपये दा मान सम्मान दिता जाऊगा खजाने चों। ते जिहड़ी 10,000 दी फस्ट एंड सैकेंड वर्ल्ड वार वाली है उस 2.75 करोड़ रुपया मान सम्मान है। ये सरकार लई कुछ नहीं होंदा जी, कुरबानी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। सो मैं सलाम करदा उन्हें मावां नूं, सलाम करदा उन्हें परिवारां नूं। पहला तो जिन्होंने पुत सरू वर्गे कदा वर्गे पुत, क्योंकि कद मिणके छाती मिणके ही उत्थे जांदे ने। ये नहीं है कि कोई रहे खोहे भी चल बाकी आ रह गया इनू फौज कर दो ना, जिहड़ा बेस्ट है वह फौज जांदा है। तुसी अपने पुत भेजे उत्थे, किसे दा विआह होया सी, किसे दा थोड़ा टाइम रहिंदा सी, होण नूं बड़ियां स्टोरियां सुणन नूं मिलदियां ने। पर हमेशा असी खड़े हाँ, पंजाब पुलिस दा कोई जवान ड्यूटी दौरान शहीद हुंदा है, 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार वल्लों कीता होया सी। ते 1 करोड़ रुपया HDFC बैंक तो भोग तो पहला पहला असी दें। HDFC बैंक क्यों दिंदी है? क्योंकि असी पंजाब पुलिस की जिहड़ी नफरी है वो जिहड़ी तनखा है वह HDFC के थ्रू डिलीवर हुंदी है। ये उन्हां तो असी लिया होया कि तुहाडे थ्रू तां देवांगे। पहला साडे नाल वादा करो कि ड्यूटी दौरान जे कोई पुलिस मैन शहीद हुंदा है तो 1 करोड़ रुपया तुम दोगे। सो 1 करोड़ गौरमेंट वालों 1 करोड़ रुपया, HDFC वालों 2 करोड़ रुपया भोग तो पहला उन्होंने खाते चला जाता है। मैं फिर कहना वो कीमत नहीं हैगी जान की, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, पर घट्टो घट्ट यह है भी पार नूं धक्के नहीं खाने पैंदे। बाद च पहला तो सिलाई मशीन ना दे दो जी, विधवा नूं सिलाई मशीन देती की कर लिया जी, ये कोई गल है? तो फिर कल नूं दीनानगर 27 तरीक नूं दीनानगर अटैक। मैं इहो जिहियां गल्लां बहुत सोचदा। उत्थे पुलिस दे 2 जवान SPO ते 1 DSP दी मौत अनाउंस कीता गया सरकार वल्लों। DSP दे परिवार नूं 25 लाख, दोनों SPO दे 8 लाख। मैं पार्लीमेंट जाके कहा, मैं जी गोली देखती है कि मैं किसी केड़ी रैंक के अफसर की हिक च जा रही हाँ? घट्टो घट्ट शहीद वेले तो रैंक ना दो ना, शहीद तो साते ही हुए ने, जान तो तिना की गई ये क्यों भी तिना की शहीदी होगी, चाहे जिड़े मर्जी मोर्चे पर सी वो कंधे ओले से चाहे कंधे अगे से। सो शहीदी जी है वह शहीदी है, वो कोई रैंक जो बड़ी छोटी नहीं, मेरे ख्याल मेरा विचार है नहीं होनी चाहिए। जिन्ना देना लोगों के टैक्स, लोगों ने टैक्स देना है तुम्हें पैसे देने, और टैक्स कि देना इन्ना नहीं देना। सो इस करके मैं आज दे इस बलिदान दिवस से जिन्हें भी जवान है इस वक्त खड़े ने, साड़ियां बेटियां साड़ियां भैणां वो भी फौज के बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रही ने, 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड के सानू माण महसूस होंदा जदों साड़ी फौज जिहड़ी आ वो अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। तो मैं सारे ऑफिसर साहबान का, चुने हुए विधानकारां का, मैं सारे का बहुत बहुत इस गलों धन्यवाद करदा कि तुसीं अज मैनू इत्थे बुलाया। मैं अपने आप नूं इस गल तो माण महसूस करदा कि जिन्होंने देश का माण बधाया, मैनू उन्हां दे परिवारां नूं मिलने का मौका मिल जूगा, तो मैनू उन्हां दे परिवारां लई कुछ करन दा, क्योंकि
परमात्मा हरेक तो नहीं सेवा लैंदा, किसे किसे नूं ड्यूटी लगती है। जे परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है तो मैं जरूर निभाऊंगा। पब्लिक सर्विस जी है, पब्लिक की सेवा जी है सब तो बड़ी है। साढ़ा तो 20 रुपए का लंगर एक बारी शुरू किया बाबा नानक ने, वो अज तक 20 रुपए का लंगर मुकदा नहीं। सो इस करके मैं कहना कि जी अमर ज्योति है ये जो साढ़े बलिदान का खून है साढ़े शहीदों का, ये गुजड़ी नहीं कदे। सो एक बार फिर मैं थानू सारे सल्यूट भी करदा और नाल नाल इस गलों मैं थानू गरंटी भी दिना, हौसला भी दिना कि बिल्कुल फिक्र करन दी लोड़ नहीं, असी थोड़े नाल। तुहाडे वो तुहाडे पुत्र नहीं सी, वो पूरे देश दे पुत्र बन गए हुण। तुसी इस गल ते माण महसूस करो कि साढ़े बच्चों ने देश वास्ते, क्योंकि जिथों तक वो आ गए सीगे जे किते अपने जवानों ने बहादुरी ना दिखाई होंगी, नक्शा ही बदल देना सी उन्होंने जिस तरीके ना उन्होंने वो अटैक किया सी। पर साडे बहादुर जवान जिहड़े ने उन्होंने हिक्कां डाहियां तां फिर उन्होंने वापस जाना पै गया दुश्मन नूं। सो इस करके मैं एक बार फिर यही कहिंदा होया कि जिस तरह करतार सिंह सराभा जी ने लिखा सी, सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां झलियां ने, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर तुहानू सल्यूट। हाँ जी स्टेट बहुत ही तर्क दे नाल इन्हां ने सीएम साहब ने वो गल्लां कीतियां ने जिहड़ियां समें दी जवाब मंगदियां सी, क्योंकि शहीद केवल गोली वज के बंदा दुश्मन दी शहीद नहीं,